हेलो हेलो, हम लोग आए हैं वीकली ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। इस बार दूसरे सुपरमार्केट में, अलसफ़ा हमारे घर के पास में ही है। सो हम सारे सुपरमार्केट्स में जाते रहते हैं, कभी लूलू कभी सुल्तान सेंटर। तो आज हम आपको अलसफ़ा दिखाने वाले हैं। यहाँ पे देख लो, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, प्राइसेस इंडिया से थोड़े से ज़्यादा है। सो वी आर गोइंग टू शो यू एवरी थिंग इन दिस वीडियो। आटे दाल का तो भाव पता होना ही चाहिए अगर मान आ रहे हो तो। ये 1 लीटर अमूल देसी घी है। देसी घी यहाँ की प्राइस है 3.6 ओमानी रियाल, लगभग इंडियन रुपीस में 700-800 रुपए। यहाँ के लोग चिप्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ के कुछ फेमस चिप्स हैं, चिप्स ओमान या फिर सैलड चिप्स वगैरह। यहाँ पे चिप्स काफ़ी ज़्यादा बिकती है एंड लेज़ के भी बहुत अलग अलग वेराइटीज़ है। आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ा पैकेट जो लेज़ है, इसकी प्राइस अराउंड 500 बैजा है। 500 बैजा मतलब कि अराउंड 100 रुपीज़ का ये एक पैकेट है। सो डेफिनेटली कॉस्टली है। जो आपको 20 रुपए की चिप्स मिलती है इंडिया में, यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ में मिलती है। एंड प्रिंगल्स भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, 1 रियाल के आसपास, 200 रुपीज़ के आसपास है ये प्रिंगल्स का एक बॉक्स। एंड अदर देन दैट यहाँ पे काफ़ी सारे आपको बांग्लादेशी स्नैक्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। हमारी ट्रॉली में भी काफ़ी सारी चीज़ें भर गई हैं। वीडियो के एंड में हम आपको दिखाएंगे कि हमारी टोटल बिल क्या रही और हमने क्या चीज़ें खरीदी। तो ये सेक्शन जो है ड्राई फ्रूट्स का सेक्शन है। ड्राई फ्रूट्स की क्वालिटी वगैरह यहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, काजू जो है वो 200 ग्राम्स आपको 1.3 ओमानी रियाल के आसपास है, अराउंड आप कह सकते हो 300 रुपये के आसपास, मतलब 250-300 के आसपास। और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की रहती हैं। नहीं, डेट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे डेट्स के अलग अलग क्वालिटीज़ वैरायटीज़ मिलते हैं, डेट्स के सिरप मिलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो इस पैकेट का प्राइस, इसके साथ आलमंड्स भी हैं इस डेट में, इसका प्राइस 3.5 ओमानी रियाल का ये बॉक्स है। एंड 3.5 ओमानी रियाल मतलब अराउंड 700 इंडियन रुपीज़। नाउ ये जो सेक्शन होता है ना, यहाँ पे आपको ऑफर्स वाली सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एक कॉर्नर सेक्शन रहता है, ये सेक्शन आप डेफिनेटली एक्सप्लोर करना। यहाँ पे आपको सारी ऑफर्स वाली जो चीज़ें हैं ना, वो मिल जाएंगी। नाउ इंटरेस्टिंग बात, ओमान में आप लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग वेराइटी के बहुत सारे पानी मिलते हैं। आप देख सकते हो ये जो हमारा पैकेट है, ये आपको 6 का पैकेट मिल जाता है। 1.5 लीटर्स की बॉटल होती है अराउंड 1 रियाल में, मतलब अराउंड 200 रुपीज़ में। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेज होते हैं, जो वैरी कर सकते हैं ब्रांड्स के हिसाब से। सेइंग पानी यहाँ पे जो है, ड्रिंकिंग वाटर, वो बॉटल खरीदना पड़ता है आप लोगों को। इसके अलावा यहाँ पे पेप्सी हो गई, मिरिंडा हो गई, उसके प्राइसेस भी ऐसे रहते हैं। ये सेक्शन है, यहाँ पे आपको दाल, सारे पल्सेस वगैरह मिलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो चना दाल का ये 500 ग्राम्स का जो पैकेट है, 300 बैजा के आसपास है, विच इज अराउंड 60-70 इंडियन रुपीज। अलावा जितने भी कैंड वेजिटेबल्स होते हैं, या फिर चिकपीज हो गए, कैंड ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, रेड किडनी बीन्स हो गए, ये सारे जो कैंड आइटम्स है ना, ये भी आपको यहाँ पे सुपरमार्केट में ही मिल जाएंगे। यहाँ पे लोग ऑलिव्स वगैरह भी काफी खाना प्रेफर करते हैं, तो आपको स्पेशली ऑलिव्स वगैरह जार में ऐसे मिल जाएंगे। इसके अलावा हर तरह के पिकल्स आपको अवेलेबल होंगे। इनके प्राइस रेंज अराउंड ऐसे ही होते हैं, लाइक 600-700 बैजा, 500 बैजा। तो आपको 500 बैजा मतलब 100 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के पिकल मिलना। ऑल्सो यहाँ पे काफ़ी सारे रोज़ वाटर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के मिलेंगे। और सारे मसाले जो होते हैं ना, हर तरह के, वो ओमानी लोकल हो, इंडियन हो, या फिर किसी और जगह से हो, पाकिस्तान वगैरह से, सारे तरह के मसाले आपको 500 बैजा, 300 बैजा ऐसे पैकेट्स में मिल जाते हैं। जनरली जो है वेजिटेबल्स नहीं खरीदते हैं, यहाँ पे कम होते हैं ऑप्शंस, लूलू वगैरह से लेते हैं, लेकिन आपको सारे वेजिटेबल के ऑप्शन सही प्राइस में मिल ही जाते हैं।
क्या आप देख रहे हो पाइनएप्पल जो है ये पर पीस फिलीपीन से आया हुआ है। इसका प्राइस 650 बेजा है, अराउंड 100-110 इंडियन रुपीस। एक नारियल पानी इज अराउंड 400 बेजा, विच इज इंडियन करेंसी में 80-90 रुपीस। डेफिनेटली आपको इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ पे चीजें थोड़ी महंगी मिलती है, बट दिस इज हाउ यू लिव इन ओमान। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पे स्केल पे इंडिया से ज्यादा ही है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी ज्यादा होती है। एंड काफी सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो यहाँ पे थोड़े कॉस्टली मिलते हैं, कॉस्मेटिक्स वगैरह भी जो होते हैं थोड़े से कॉस्टली मिलते हैं, बट इट्स फाइन। सारे खाने पीने की चीज़ों के अलावा आपको किचन यूटेंसिल्स वगैरह खाना बनाने के सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगी। यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली होता है, जैसे कि आप देख रहे हो पूरा जो सेट है कुकवेयर का ये 12 point something है, मतलब 2000 रुपये के आसपास। सबका फेवरेट न्यूटेला यहाँ पे जो बड़ा जार है वो अराउंड 600 इंडियन रुपीस। बॉर्नवीटा का जो स्मॉल जार है इट इज अराउंड 700 बेजा, एंड हॉर्लिक्स का बड़ा जार इट इज अराउंड 2.9 ओमानी रियाल, सेम अराउंड 600 रुपीस। इसके अलावा आपको काफी सारे चॉकलेट पाउडर, कैडबरी पाउडर, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर हनी की काफ़ी सारी वैरायटी आपको देखने को मिल जाती है, जिनके प्राइसेस आपको 500 पैसा से स्टार्ट हो जाएंगे, एंड क्वालिटी के हिसाब से इनके प्राइसेस बढ़ते जाते हैं, अराउंड 3 रियाल, 5 रियाल, ऐसे करके यू नो प्राइसेस बढ़ेंगे इनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग। हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम घर वापस आ चुके हैं और आप हमारा जैसे ये बिल देख रहे हैं तो इट्स अराउंड 12.856 ओमानी रियाल। जो हमारा बिल है वो अराउंड 12.8 का है, मतलब अराउंड 13 रियाल का है। सो 13 रियाल यू कैन से इंडियन करेंसी में होता है 2500 रुपये तक। तो वीकली बिल जो होता है ना हमारा ग्रॉसरीज का वो इतना ही होता है। सो आई जस्ट गिव यू आइडिया कि बेसिक चीज़ें जो होती हैं उसके क्या प्राइसेस होते हैं। तो हमने लिया है ये ब्राउन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड वॉज अराउंड 300 बेजा, विच इज़ अराउंड लाइक 60-70 रुपीज़। सो ये प्राइसेज हैं। इंडोमी यहाँ पे मुझे नूडल्स ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इंडिया में तो मैगी खाते ही हैं, यहाँ पे मैगी मिलती है बट मुझे यहाँ पे इंडोमी भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये 3 का पैकेट आता है 600 बेजे का, ये कप नूडल्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट या वी गॉट दिस लिजित पापड़, इंडिया में भी मिलता है आप सबको पता है। तो ये लिजित पापड़ का पैकेट जो है इट इज़ अराउंड 300 बेजा, 300 बेजा मतलब सेम 60-70 रुपीस। एंड हाँ, ये 3 जूस का पैकेट है, इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होते, इसमें ऑरेंज फ्लेवर है, ग्रेप फ्लेवर है और एक और फ्लेवर है कुछ तो आई गेस। सो ये जो पैकेट होता है 3 1-1 liters के ये जूस होते हैं, इट इज़ अराउंड 1 ओमानी रियाल जो होता है आपका 200 रुपीस के अराउंड। अभी 180-190 का रेट चल रहा है तो अराउंड 200 रुपीस के आसपास आप समझ लो होता है। ये 3 हमारा 1 week के लिए चला जाता है, आप चाहो तो उसको ज़्यादा भी ले सकते हो, कभी कभी ऑफर्स में भी होता है। इसके अलावा ये हमें लिया है बादाम का पैकेट, इट इज़ अराउंड 700 पैसा एंड इट इज़ 200 grams। इंडिया में आई गेस महंगा है इससे ज़्यादा है ये जो आपका पैकेट होता है ये। इसके अलावा नॉर्मल ग्रीन टी आपकी 1 रियाल के आसपास आती है। दिस मसूर दाल का पैकेट ये है, आई गेस 1 kg का ये पैकेट है, 1 kg या 500 grams का कुछ पैकेट है। तो ये पैकेट हमें पड़ा है अराउंड 600 पैसे का, या दिस पैकेट वॉज अराउंड 600 पैसा। सो ऐसे होता है दाल का। एंड हाँ, यहाँ पे गर्मियों में ये जो लबान होता है ना, लबान मतलब छाछ जो आप इंडिया में पीते हो, ये काफ़ी ज़्यादा बिकता है ओमान में, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है लबान। सो लबान का ये जो पैकेट है, ये 3 जो है अल मराई ब्रांड है, उसका ये कॉस्ट आता है 600 पैसा, 600 बेजा मतलब 110-120 रुपीस के आसपास। एंड ये वॉलनट भी हमने लिया है, वॉलनट्स इज आल्सो अराउंड 300 ग्राम्स है इसमें, एंड इट कॉस्ट 1.1 ओमानी रियाल विच इज़ अराउंड 200 रुपीस के आसपास। तो हमारा टोटल बिल जो है ना, सब्जियां वगैरह, छोटी मोटी चीज़ें, पानी वगैरह, क्योंकि वीकली पानी आपको लेना पड़ता है अगर आप ऑफिस जाते हो तो, अगर ऑफिस नहीं जाते हो तो आपको वीकली कम से कम 2 बार पानी लेना पड़ेगा क्योंकि आप पूरा टाइम घर पे रहोगे। तो हमारा वीकली बिल जो होता है वो मिनिमम इतना तो हो ही जाता है, 10-15 ओमानी रियाल का वीकली का बिल है।
सब्जियां, पानी और एक्स्ट्रा की चीजें मिलाकर। खाना वगैरह बाहर वो अलग होता है, बट ग्रोसरीज में अराउंड आप अगर यहाँ पे ओमान में आते हो तो दो लोगों का वीकली बिल जो होगा वो अराउंड 10-15 ओमानी रियाल तक तो डेफिनेटली जाएगा। सो वी होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ओमान रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।